गुड आफ्टरनून। तो पिछले क्लास में हम लोग पीएस नोटेशन पर डिस्कशन किए हैं। इस क्लास में रेडिकल एक्सिस भी देखेंगे और फैमिली ऑफ सर्कल भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ रेडिकल एक्सिस। व्हाट इज रेडिकल एक्सिस? सो इसको लोकस की तरह हम लोग डिफाइन करेंगे। लोकस ऑफ पॉइंट्स हुज पावर विद रेस्पेक्ट टू टू गिवन सर्कल whose power with respect to given circle is equal, है ना? जब वैसा पॉइंट जिसका दो गिवन सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर इक्वल हो, वैसे पॉइंट, वैसे लोकस को हम लोग क्या नाम दिया? रेडिकल एक्सिस। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज पावर विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, है ना? सो लेट अस अंडरस्टैंड पावर। Power of point with respect to a circle. जब सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, जब सर्कल मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx fy plus c, और एक पॉइंट हमको दिया गया है, लेट अस से h कॉमा k, है ना? तो अब मेरे पास एक सर्कल और एक पॉइंट है, मैं अब पावर को डिफाइन कर सकता हूं। सो पावर ऑफ पॉइंट इज डिफाइंड एज S1 मतलब क्या है? H कॉमा K को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट करना। सो पावर विल बी इक्वल टू H स्क्वायर K स्क्वायर 2GH 2FK प्लस, ये पावर पॉइंट। नाउ पावर ऑफ पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानते हैं ना, S1 नोटेशन में, TS नोटेशन में। याद करो कि S1 जब ग्रेटर देन जीरो होता था तो हम लोग पॉइंट को क्या कहते थे? पॉइंट इज आउटसाइड सर्कल। S1 ग्रेटर देन जीरो का मतलब पावर ऑफ पॉइंट क्या है? ग्रेटर देन जीरो मतलब पावर इज पॉजिटिव, दैट इज पावर इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? पॉइंट इज आउटसाइड सर्कल। सिमिलरली S1 अगर इक्वल टू जीरो होता है, दैट इज किसी पॉइंट का पावर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब पॉइंट कहां अप्लाई करेगा? पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। Point lies on the circle. और अगर आपका S1 less than zero होता है, मतलब power less than zero, तो इसका मतलब हुआ point inside circle. तो अब हम लोग रेडिकल एक्सिस को पावर के टर्म में डिफाइन किए, इसका मतलब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर रेडिकल एक्सिस हम लोग को दो इक्वेशंस, दो अलग अलग सर्कल चाहिए। सो लेट सर रिपीट कीजिए। हाँ फिर से रिपीट मैं करता हूं, है ना? पूरी चीजें देख लो, करेक्ट कर लेंगे।
रेडिकल एक्सिस क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल इज इक्वल, ठीक है, ये एक तरह का लोकस है वैसे पॉइंट का जिसका दो सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर इक्वल हो। लेकिन पावर क्या है? पावर जो है आपका S1, S1 को हम लोग पावर कहते हैं, S1 क्वांटिटी, इसी को हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं, ठीक है। S1 के रिस्पेक्ट सर, में S सिर्फ सर्कल की, S1 के रिस्पेक्ट में है ना, जीरो से कंपेयर करेंगे अगर हम लोग S1 को, तो पावर भी जीरो और बराबर जीरो और लेस देन जीरो हो सकता है। और पावर के टर्म में हम लोग पॉइंट को आउटसाइड ऑन द सर्कल एंड इनसाइड सर्कल कह सकते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग को रेडिकल एक्सिस को अगर डिफाइन करना है ना, तो हम लोग को दो सर्कल की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। सो लेट टू सर्कल्स हैव इक्वेशन मैं ऊपर में वन टू नाम दे रहा हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी वन एक्स एफ वन वाई सी वन, एस टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी टू एक्स टू एफ टू वाई प्लस, ठीक है। तो अब हमें इसके रेडिकल एक्सिस को डिफाइन करना है। सो मैं क्या मान लूंगा कि लेट पी एच कॉमा के लाई ऑन द रेडिकल एक्सिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P का पावर S1 के रिस्पेक्ट में, पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S1 इक्वल टू जीरो, पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S2 इक्वल टू जीरो, है ना। अब बताओ P का S1 के रिस्पेक्ट में पावर क्या होगा, S11 होगा, S11, इसका पावर S2 के रिस्पेक्ट में S21। सो कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट x एंड y फॉर h एंड k, ये हो जाएगा आपका इंप्लाइज दैट h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस टू जी वन एच एफ वन के सी वन एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस टू जी टू एच टू एफ टू के प्लस सी टू। अब ये बताओ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर h स्क्वायर एंड कैंसिल आउट हो गया। सो अपने पास बचा क्या, 2 टाइम g1 माइनस यहां से g2 इनटू h f1 माइनस f2 k C1 माइनस C2। और इस चीज को H को हम लोग क्या बनाएंगे, X बनाएंगे, K को हम लोग Y बनाएंगे, ये बन जाएगा 2 टाइम्स G1 माइनस G2 X, 2 टाइम्स F1 माइनस F2 Y, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो गया, लोकस हो गया। ये लोकस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है,
क्या ये लोकस स्ट्रेट लाइन है? यस सर, स्ट्रेट लाइन है ना। और इस लोकस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग S1 इक्वल टू S2 याद रखते हो, मतलब रेडिकल एक्सिस लिखना है S1 इक्वल टू S2 आप कर लो, ठीक है, तो वहां से आपको रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो रेडिकल एक्सिस मिल गया, एक एग्जांपल हम लोग करेंगे, प्रूव दैट रेडिकल एक्सिस इज सर हाँ S1 is equal to S2 क्यों किया? हाँ, S1 equal to S2, देखो H और K की जगह पर X और Y रखो, फिर से सेम इक्वेशन मिलेगा ना सिंप्लीफाई होने के बाद। यस सर, इसीलिए S1 equal to S2 है। तो प्रूव दैट रेडिकल एक्सिस इज अ लाइन, लाइन हमको प्रूव करना नहीं है, है ना, इज परपेंडिकुलर टू the join of nine segment joining centers of the circle. Of the given circle. ये प्रूव करना है, काफी आसान सवाल है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द टू सर्कल, है ना, S1 मेरा पहला सर्कल है x स्क्वायर y स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1, दूसरा सर्कल है मेरा S2 x स्क्वायर y स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2, है ना। अब देखो सेंटर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट, अगर हम इसको c1 मानते हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएगी आपको माइनस g1 माइनस f1, इसके सेंटर की कोऑर्डिनेट हो जाएगी माइनस जी टू माइनस एफ टू। सो हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ सीवन सी टू, एम ऑफ सीवन सी टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई टू माइनस वाई वन एफ वन, राइट, टू माइनस एफ वन, यस सर, जी टू माइनस जी टू माइनस माइनस जी वन माइनस जी, तो आपका एफ वन माइनस एफ टू जी वन माइनस जी वन माइनस जी टू, ठीक है। और रेडिकल एक्सिस अब फाइंड कर लेते हैं, तो वी हैव रेडिकल एक्सिस इक्वेशन एस वन इक्वल टू एस टू, दैट मीन्स एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या मिलेगा, टू टाइम्स जी वन माइनस जी टू एक्स, टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ टू वाई, सी वन माइनस सी टू इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आप देख सकते हो सर कितना है, बोलो S1 is equal to S2 किया, but question में S1 दिया है ना कि radial axis circle पे है। तुम्हारी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, फिर से ट्राई करो। सर मैं मैसेज भेजता हूँ। हाँ लिख करके भेजो।
देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि रेडिकल एक्सिस कहां पे लाई कर रहा है कहां पे लाई नहीं कर रहा, मैं डेफिनेशन को प्रॉपरली फॉलोशिप कर रहा हूं, ठीक है। डेफिनेशन क्या कह रहा है पावर ऑफ पॉइंट का, लोकस ऑफ पॉइंट हूज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू गिवन सर्कल इज इक्वल, बस ये डेफिनेशन है। अब पावर जो भी होगा उसको इक्वेट करना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं पावर की बात कर रहा हूं। मेरा पावर दोनों निगेटिव होकर के भी बराबर हो सकता है और दोनों पॉजिटिव होकर के भी बराबर हो सकता है, है ना। एस वन इक्वल टू एस टू डज नॉट नेसेसरली मीन दैट कि एस वन इक्वल टू जीरो है और एस टू जीरो है। जैसे आप अगर एस वन इक्वल टू एस टू करते हो, वन वन ही रख लो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एस वन वन का वैल्यू फोर है और एस टू वन का भी वैल्यू फोर है, इसका मतलब पॉइंट जो है सर्कल पे लाइन नहीं कर रहा, हम लोग इक्वलिटी ना कर रहे हैं। वो इक्वल किसी भी तरीके से हो सकता है, निगेटिव से भी और पॉजिटिव से भी और जीरो से भी हो सकता है। समझ में आई बात? यस सर। रेडिकल एक्सिस का पॉइंट हो सकता है कुछ सर्कल पर हो, कुछ नहीं भी हो, कुछ बाहर हो, ये अलग मैटर है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा रेडिकल एक्सिस का? रेडिकल एक्सिस का स्लोप स्ट्रेट लाइन के स्लोप से लिखेंगे माइनस जी वन माइनस जी टू एफ वन माइनस एफ टू। नाउ एम एम सी वन सी टू इंटू एम आर ए क्या हो रहा है? माइनस वन। इसका मतलब क्या परपेंडिकुलर है? यस सर। देयरफॉर सी वन सी टू परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस एक लाइन है और सेंटर ज्वाइनिंग ऑफ द सर्कल के परपेंडिकुलर होता है ना। अब हम लोग रेडिकल एक्सिस को समझने की कोशिश करते हैं। सर हाँ, एम आर ए कैसे निकाला? ये माइनस वन कैसे आया? नहीं सर, एम आर ए कैसे निकाला? एम आर ए स्ट्रेट लाइन के स्लोप से निकाले हैं। इसका स्लोप क्या होता है इस लाइन का? माइनस माइनस ए बाय बी होता है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? भूल गए, फिर से देख लो। देखो डी वाई को एक तरफ रख लिए, माइनस ए एक्स और माइनस वाई बी एक्स माइनस सी वाई बी। सो ये किस फॉर्मेट का है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट का है। यस सर। एम कितना आया? माइनस सी वाई बी। ये सब तो याद रखना पड़ेगा ना, है ना। yes, तो ये स्लोप हो गया और हमने दिखा दिया माइनस वन। अब क्लियर है पूरा? यस सर। अब हम लोग रेडिकल एक्सिस कैसा होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। रेडिकल एक्सिस इन डिफरेंट केसेस,
केस नंबर वन, व्हेन टू सर्कल्स आर आउटसाइड इच अदर, ठीक है, दो सर्कल आउटसाइड इच अदर, यहां पे आपका रेडिकल एक्सिस जो है ना वो लाइन है जो इन दोनों सर्कल के लगभग बीच से गुजरता है, ठीक है। और आप लोग को याद होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला था, रूट एस वन था, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो रूट एस वन के बराबर होता है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, ये टीएस नोटेशन में हम लोग सीखे थे ना। यस सर। अब देखो इस, अगर ये रेडिकल एक्सिस है तो इस पे जितना भी पॉइंट लेंगे, इस पे जितना भी पॉइंट हम लोग लेंगे उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा दोनों सर्कल पर बराबर होगा, ये मान लो कि एक पॉइंट है, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, सो दोनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, बराबर होगा। फ्रॉम पी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स to both circles is equal, ये ध्यान रखना, लेकिन ये P कहां होना चाहिए, outside both circle होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग length of tangent की बात कर सकते हैं, ठीक है। So एक radical axis इस केस में क्या होता है कि दोनों circle के बाहरी region में lie करने वाला एक ऐसा line है जहां से आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल पे बराबर होता है। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड, सर्कल्स ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग से पहले तो टचिंग का केस आ जाएगा ना, टू सर्कल्स टचिंग, एक्सटर्नली इस केस में जो रेडिकल एक्सिस होगा आपका वो कॉमन टेंजेंट बनता है, तो आप देख सकते हो ये कॉमन टेंजेंट से जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगा ना किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो बराबर होते हैं।
ये दोनों बराबर लेंथ होते हैं, ठीक है। इस केस में तुम्हारा रेडिकल एक्सिस जो होता है वो कॉमन टेंजेंट का काम करता है, हर एक कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस नहीं है, नोट दैट इज कॉमन टेंजेंट इज नॉट रेडिकल एक्सिस। ये तो एक हुआ ना, इसमें और भी तो टेंजेंट इस तरह से बनेंगे, है ना, तो ये टेंजेंट जो है रेडिकल एक्सिस के काम नहीं करेंगे। केस नंबर थर्ड, ओवरलैपिंग सर्कल्स। पार्शियली इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग सर्कल्स भी कह सकते हैं, तो यहां पे जो रेडिकल एक्सिस आपका होता है यही समस्या है। ये आपका रेडिकल एक्सिस है और इस केस में ये कॉमन कॉर्ड का काम करता है, ठीक है। और जो बाहरी पॉइंट है यहां से लेंथ और टेंजेंट हर एक केस में बराबर होगा, इसको सिकेंट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन सिकेंट किसी एक सर्कल के लिए होता है, दो सर्कल का कॉमन सिकेंट कह सकते हैं, ठीक है, कॉमन कॉर्ड, और आप चाहते हो तो कॉमन सिकेंट कह सकते हो। केस नंबर फोर, वन सर्कल इनसाइड अदर, वन सर्कल इनसाइड अदर, इसके लिए जो कॉमन टेंजेंट है वही रेडिकल एक्सिस का काम करता है।
और जब एक सर्कल दूसरे के अंदर में लाई करता है circles lying inside inside another. इसमें टचिंग लिख देना, नॉन टचिंग यूज. कुछ इस तरह से. इस केस में रेडिकल एक्सिस का अंदर पोजीशन नहीं हो सकता है, जो भी हो सकता है वो बाहर हो सकता है, ठीक है. लेकिन वो पोजीशन अगर बाहर भी हम लोग लेते हैं तो क्या वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट हर एक लाइन के लिए बराबर होगा, ये कहना उचित नहीं होगा, है ना. तो इस केस में हम लोग रेडिकल एक्सिस जो है फाइंड तो करते हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर इट्स पोजीशन क्या, वी कैन नॉट शो इट्स पोजीशन. अरे पोजीशन कैंट बी शोन. लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस है ना, सर्कल एक दूसरे के अंदर में है, बाहर में है, टच कर रहा, ये कैसे पता चलेगा. अब उसके लिए देखो, देखो हर एक केस का नोटेशन सेम रहेगा. सर्कल नंबर वन, सर्कल नंबर टू, इनको ज्वाइन कर दो. T1 C2 अगर ग्रेटर देन R1 R2 है, R1 प्लस R2, तो ये केस है आउटसाइड का. मतलब ये चेक करने से ही पता चल जाएगा सर्कल एक दूसरे का आउटसाइड है या नहीं. कंडीशन फॉर आउटसाइड सर, C1 C2 मतलब सर्कल के कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या? क्या बोल रहा बच्चा? सर C1 मल्टीप्लाई बाय C2 मतलब मल्टीप्लाई नहीं, ये लाइन सेगमेंट का नाम है. C1 C2 ओके सर, लाइन सेगमेंट का नाम है, समझे. मतलब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स R1 R2 आर रेडी आई R1 R2 आर रेडी आर. तो ये जैसे ही चेक कर लोगे आपको क्या हो जाएगा, आउटसाइड सर्कल की कंडीशन बन जाए. टचिंग का कंडीशन क्या है, C1 C2 को ज्वाइन कर ले. सो C1 C2 आपका R1 प्लस R2 के बराबर होता है. C1 C2 इस केस में R1 प्लस
आर टू के बराबर होता है। इस केस में ये है सीवान, ये है सिद्धू, ज्वाइन दो सीवान सिद्धू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर लें तो हम लोग ये जानते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, आर वन लें, ये आर टू लें। ए सी वन सी टू क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का दो साइड जो होता है थर्ड साइड से बड़ा होता है, दो साइड का समेशन जो होता है थर्ड साइड से बड़ा होता है, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से छोटा होता है। तो ये कंडीशन हो गया किसके लिए, पार्शियली ओवरलैपिंग के लिए। बराबर, ये पार्शियली ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन हो गया कि सीवन सीधू का वैल्यू आर वन प्लस आर टू सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल से छोटा होगा और डिफरेंस ऑफ टू साइड से बड़ा होगा। इस केस में कहीं पर भी अगर हम सेंटर मान ले, ये सेंटर है पहले का और ये सेंटर है मेरा दूसरे का, C1, C2। So, अब देखो आर वन माइनस आर टू इक्वल टू सीवन सी टू। सो इस केस में आपका होता है सीवन सी टू इक्वल टू आर वन माइनस आर टू का मॉडुलस। तो ये इंटरनली टचिंग है। इस केस में क्या होता है, सेंटर कहीं पर भी मान सकता है ना, मान लो कि यहीं पर था, थोड़ा बाहर ही मान लेते हैं, और इसका सेंटर यहां पर है। तो आप देख सकते हो कि ये जो गैप है ना, इसकी वजह से सेवन सी टू आर वन माइनस आर टू से भी छोटा हो जाता है। यहाँ पे सेवन सी टू इज लेस देन इवन आर वन माइनस आर टू से। अब हम लोग टोटल कॉमन टेंजेंट की भी बात कर सकते हैं। फिफ्थ केस में कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा, वैसा कितना लाइन होगा जो दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट होगा, नंबर ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट या ट्रांसवर्स टेंजेंट। टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स फर्स्ट केस में क्या होगा, एक भी टेंजेंट नहीं होता है ना? नहीं सर। तो डायरेक्ट टेंजेंट भी जीरो, इनडायरेक्ट टेंजेंट भी जीरो, सारे जीरो, जीरो जीरो और जीरो। सर हाँ, इनडायरेक्ट टेंजेंट मतलब कैसे? ट्रांसवर्स टेंजेंट का मतलब है कि सर्कल का सेंटर दोनों टेंजेंट के दोनों साइड में अलग अलग साइड में होगा। मैं बता रहा हूं, मैं दिखाऊंगा, अभी टेंजेंट आने दो। देखिए इस केस में क्या होगा, सिर्फ यही ना टेंजेंट है,
ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल को देखेंगे। दोनों सेंटर टेंजेंट के एक ही साइड में है ना, दोनों सेंटर यस टेंजेंट के सर। एक ही साइड में, इसका मतलब ये डायरेक्ट टेंजेंट है। तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट टेंजेंट की संख्या इस केस में 1 है, इनडायरेक्ट टेंजेंट इसमें होगा नहीं और टोटल टेंजेंट की संख्या 1 है। अगर इस केस में हम लोग बात करें देखिए, इस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टेंजेंट है। कैसे? एक ये टेंजेंट लाइन बनेगा रेड वाला और दूसरी टेंजेंट लाइन यहां से बनेगी। है ना, इसमें देखो यही दोनों सिर्फ टेंजेंट है और एक टेंजेंट के रिस्पेक्ट में दोनों सेंटर सेम साइड है, दूसरे टेंजेंट के रिस्पेक्ट में भी दोनों सेंटर सेम साइड है। इसका मतलब इसमें दो डायरेक्ट टेंजेंट है, ट्रांसवर्स टेंजेंट इसमें नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो इस केस में, थर्ड के ऊपर के केस में, सेकंड केस में एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, और आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये भी तो कॉमन टेंजेंट है ना। कॉमन टेंजेंट के रेस्पेक्ट में सेंटर अपोजिट साइड में है, इस ब्राउन कॉमन टेंजेंट के रेस्पेक्ट में सेंटर अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांसवर्स टेंजेंट के काउंटिंग में आता है। ये ट्रांसवर्स वाला टेंजेंट है, काउंटिंग कर सकते हैं अब हम लोग। नंबर ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट स्टिल 2, टू नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट ओनली 1, टोटल वन थ्री नंबर ऑफ टेंजेंट्स 3। इज इट क्लियर? यस सर। अगला केस देखते हैं। इस केस में कितने टेंजेंट्स मिलेंगे? सर दो 2 डायरेक्ट मिलेंगे। यस सर। एक ये हो गए हैं, दूसरा कुछ इस तरह से, चौथा कुछ इस तरह से। देखिए अब यहां पे कितने टोटल टेंजेंट हो गए? 4 फोर हो गए, 2 डायरेक्ट वाले और 2 ट्रांसवर्स वाले। ठीक है, तो यस सर। यहां पे टोटल
डायरेक्ट कितने हो गए हैं, ट्रांसवर्स कितने हो गए हैं, दो, टोटल कितने हो गए हैं, ठीक है। यहां पे रेडिकल एक्सिस टेंजेंट का काम नहीं करेगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स, दिस इज द फाइनल टॉपिक। फैमिली ऑफ सर्कल किस तरह की चाहिए, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ये बताओ, दो पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल्स एग्जिस्ट करते हैं, हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। Can pass through two points. सब एक ही, एक ही। अगर ये मेरे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ये मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ, ठीक है, इसे कितने सर्कल पास कर सकते हैं, एक या दो, लेट्स ट्राई टू फिट सम सर्कल्स हियर। एक सर्कल तो मिल गया, इनफिनिटी, वी विल फिट मोर सर्कल्स हियर। कितने सर्कल्स मिल गए? यस सर, दो, दो मिल गए। और भी होंगे? यस सर। तो आंसर क्या हुआ? इन्फिनिटी, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट। अगर हम दो पॉइंट के अलावा एक थर्ड पॉइंट फिक्स कर दें, तीन पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल्स होते हैं, हाउ मेनी circles can pass through three points. इसका जवाब क्या होगा? One. ये करेक्ट है ना, इसमें एक ही सर्कल पास कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरी सर्कल पास नहीं कर सकता। लॉजिक में नहीं बता रहा हूं, है ना। अब हम लोग आते हैं फैमिली ऑफ सर्कल के इक्वेशन पर। इक्वेशन ऑफ family of circles,
अगर इस मेरा सर्कल है S1 हम मान ले, और S2 हम मान ले, प्लस सी टू है ना, लेट देम बी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग पोजीशन पर हैं, देन ध्यान से देखो, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस वन, दिस इक्वेशन रिजेंबल्स विद दैट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ये इक्वेशन जो है आप फैमिली ऑफ लाइंस में ऐसा ही पढ़े थे ना, L1 plus lambda L2, yes sir, तो यहां पे आ गया S1 plus lambda S2 equal to zero, ये family of circle है, कहां से pass करता है, it passes through common points of the circle, it passes through common points of circle. ठीक है, something like ये हमारे दो सर्कल है, वन टू, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देखो, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तो ये जो इक्वेशन है ये वो हर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जो कॉमन पॉइंट से पास करता, छोटा बड़ा चलेगा सब, जैसा मेक सर्कल बना लिए, अभी ये कॉमन पॉइंट से पास नहीं कर रहा, वी विल लेट इट पास, एक और छोटा सर्कल बनाएंगे थोड़ा बड़ा, और इनको भी हम लोग पास करेंगे, पास कर गया, इनको पास करवाएंगे, देखो है ना इस तरह से। सो ब्लू वाले क्या है, अलग अलग सर्कल है डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा के लिए है ना, सो इनफिनाइट सर्कल मिल रहा है, इसमें से स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा होगा, वो सर्कल होगा जो AB को डायमीटर मान करके बनता है, है ना, ये स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, स्मॉलेस्ट सर्कल, ठीक है, कई बार लाइन के साथ भी आता है फैमिली ऑफ सर्कल, इसको ध्यान से देखें, लाइन के साथ कैसे आता है, वो टाइप वन समझ सकते हो, ये टाइप टू है, देखिए इसमें क्या होता है, टाइप टू में
आपके पास एक सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एस वन जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही सर्कल हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। सो मैं एस डिनोट करूंगा टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और एक लाइन लूंगा दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग। लाइन की इक्वेशन एक्स स्क्वायर से स्टार्ट नहीं होती है, दिस स्टार्ट विथ एलेक्स y plus n equal to 0, let them be intersecting. So, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा इक्वेशन फिर से उसी पैटर्न पर लिखा जाएगा, दैट इज s प्लस lambda times l equal to 0. यहां पे lambda पे कोई restriction नहीं है, है ना? Passes through the common points of line and circle. Circle passes through common points of circle and line. डायग्राम कैसा होगा, एकदम ऊपर का डायग्राम कॉपी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। So this is our circle and ये हमारी लाइन हो गई। और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली सर्कल जो है वो मैं रेड से दिखा रहा हूं। थोड़ी बड़ी साइज की सर्कल हो गया ना, ये डायमीटर से तो बड़ी साइज की सर्कल चाहिए अपने को। एक काफी बड़ा सर्कल हमने ले लिया है, एक थोड़ा इंटरमीडिएट ले लेते हैं, एक इनसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। सबको प्लेस करेंगे, है ना, फिट करेंगे। एक सर्कल फिट हो गया, दूसरी सर्कल फिट हो गई, और ये तीसरी सर्कल फिट हो गई। ये ऑलमोस्ट ब्लू वाले के बराबर दिख रहा है ना। तो इस तरह से तुम्हारी ये फैमिली ऑफ सर्कल्स हो रही है डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा के लिए। अब फैमिली ऑफ सर्कल में हम लोग एग्जांपल कर सकते हैं, है ना। देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ circle, find equation of circle which passes through point of intersection of s x square plus y square minus 4 equal to 0 and l x minus y minus 2
2 इक्वल टू 0 एंड व्हिच हैज रेडियस Six units. Six units. ऐसे तो हम लोग इसमें डायग्राम बना सकते हैं, है ना? डायग्राम से पता भी चल जाएगा कितने सर्कल्स मिलेंगे. Let's try. ये मेरा सर्कल है और ये x माइनस वाई माइनस टू लाइन को स्लोप लाइन का वन है. सो लाइन को हम दिखा सकते हैं कुछ ऐसा. इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है और ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को मिल गए, ए और बी. लेकिन हमको ये कह रहा है कि वैसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रेडियस 6 यूनिट हो. तो एक सर्कल मेरा ऊपर की तरफ बन रहा है और दूसरी सर्कल मेरा नीचे की तरफ बन रहा है. समथिंग लाइक एक सर्कल जो है इस तरह से बनेगा 6 रेडियस का और दूसरी सर्कल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा. ठीक है, मतलब दो सर्कल आंसर में आने चाहिए. सो हम लोग सर्कल को क्या मानेंगे? लेट द सर्कल बी एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0. लाइन इंटरसेक्टिंग है ना, ये हमको पता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, तभी जाकर के ये काम कर सकते हैं. एस क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. ये मेरा जनरल सर्कल है, मैंने इसको ए बी से पास करवा दिया. अब कौन सी प्रॉपर्टी बाकी है इसमें? इसका रेडियस बाकी है ना, ये जो है ए बी के थ्रू पास कर रहा, पासेस थ्रू ए एंड बी. इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है रेडियस की. तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई एंड माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा माइनस कॉमन 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. अब हम लोग को इसका रेडियस देखना है. रेडियस कितना है? इक्वेशन के हिसाब से रेडियस मेरा हो जाएगा लैम्डा बाय 2 का स्क्वायर, लैम्डा बाय 2 का स्क्वायर, लैम्डा बाय 2 का स्क्वायर. और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस सी माइनस, ये हो गया प्लस 2 इनटू 2 प्लस लैम्डा. लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू यस सर 6. अब इसमें लैम्डा की काफी खराब वैल्यू मिलेगी, है ना, क्योंकि मैंने सेट किया नहीं है बहुत ढंग से, क्वेश्चन को सेट नहीं किया गया, तो लैम्डा कुछ भी मिल सकता है. तो देखो अगर बढ़िया मिल जाता तो अच्छी बात है. यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पर मिल गया 4 प्लस सर डिवाइड बाय 4 आएगा ना, आने चाहिए. नहीं सर कुछ नहीं. क्या हो रहा बच्चा? नहीं सर कुछ नहीं. इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 36 बन जाएगा. यस है ना. अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 72 सर 50 70. Lambda square plus 4 lambda minus 64.
कैन वी फाइंड लैम्डा हियर? यस सर, लैम्डा का अच्छा वैल्यू नहीं आएगा डेफिनेटली, फैक्टराइजेशन से आ जाएगा। माइनस फोर प्लस माइनस रूट ओवर 256 प्लस 16, 256 प्लस 16 272, और इससे चार बाहर निकाल ही सकते हो, 16 बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 16 × 17, यानी रूट 17 बच जाएगा। तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 17। लैम्डा के दो अलग अलग वैल्यू हैं, दोनों लैम्डा यहाँ पर रख दीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल तैयार हो गया, समझ गए? इसी तरह से फैमिली ऑफ सर्कल में काम करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, रेडियस दिया गया, हो सकता है कि हमको सेंटर बताया जाए, है ना, हो सकता है कि ये सर्कल जो है किसी लाइन को टच कर रहा हो सकता है कि इसका इंटरसेप्ट बताया जाए किसी एक्सिस पर, सो डिफरेंट पैटर्न पे आपको बताया जाता, हो सकता है इसमें बोले कि स्मॉलेस्ट सर्कल फाइंड करना हो, तो जब स्मॉलेस्ट सर्कल फाइंड करना होगा तो ये रेडियस के एक्सप्रेशन को हम लोग मिनिमाइज करेंगे, है ना, इसको मिनिमाइज करना होगा, डीवाई बाई डी एक्स भी लगा सकते हो आप। तो इस तरह से सर्कल फैमिली जो होता है, फैमिली का क्वेश्चन को रीड करना है, उसका लैंग्वेज को ध्यान देना है, कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर फाइंड करने की जरूरत पड़ती हो तो आप समझ जाए कि वो फैमिली का क्वेश्चन था, ठीक है? तो अगले क्लास में आप लोग सर्कल पे रेडिकल एक्सिस और सर्कल बेस्ड क्वेश्चन कर लेना। ओके सर, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना होगा अगले क्लास में पूछ लेना, अदरवाइज टाइम अगर मिल गया तो हम लोग पैराबोला स्टार्ट कर लेंगे रिवीजन के लिए, राइट? इसलिए पैराबोला रिवाइज करके आना है ना। हैव अ नाइस डे। बाय सर, थैंक यू सर।